जनरल नोटेशन हुआ, ठीक, उसका क्राउनिंग होता है, बताएंगे सारा के करके बताएंगे, क्राउनिंग क्राउनिंग हो गया, ठीक, उसके बाद डिलीवरी हुआ, एक्सटेंशन, डिलीवरी ऑफ द हेड बाय एक्सटेंशन, ठीक है, फिर रेस्टिट्यूशन हुआ, जो तुम्हारा टॉर्शन, नेक का टॉर्शन होता है उस पर रेस्टिट्यूशन होगा, इसके बाद एक्सटर्नल रोटेशन, फिर लैटरल सेक्शन के थ्रू पूरा डिलीवरी हो जाता है, ठीक है। तो सबसे जो कॉमन जो हम लोग का पोजीशन होता है लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर रहेगा या फिर लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स रहेगा, तो हम लोग लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स का ही हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मली, ठीक है, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स का ही पढ़ेंगे। इसमें जो इंगेजिंग डायमीटर जो होता है, जो हेड का जो होगा वो तुम्हारा रहेगा या तो सब ऑक्सीपिटो मैग्नेटिक या फिर सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, दोनों रह सकता है। तो लैटरली जब ज्यादा तो सेजाइटल सूचक तुम्हारा जो ट्रांसवर्स डायमीटर में हो जाएगा, जो ब्रेन का ट्रांसवर्स डायमीटर उसके अलोंग रहता है, ठीक है, सेजाइटल सूचक ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द इनलेट उसके अलोंग रहेगा, और ये और बायपेराइटल डायमीटर जो होगा एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर का, ठीक है। तो कभी कभी होता है ये जो एसिंक्लेटिज्म बता रहे थे, जो सुपर सब पेराइटल जो हमारा यूज करता है उसमें, तो हल्का सा जो होता है ना कभी कभी एंटीरियरली टिल्ट कर जाए, ठीक है, एंटीरियरली जब टिल्ट कर गया जो पोस्टीरियर पेराइटल है, हम लोग पीवी करेंगे तो उनको पोस्टीरियर पेराइटल फील होगा, पोस्टीरियर पेराइटल बोन फील होगा, इसको कहेंगे पोस्टीरियर एसिंक्लेटिज्म, ठीक है। सजेशन सोचे टिल्ट किया एंटीरियरली, बट हम लोग को फील जो होगा पोस्टीरियर पेराइटल बोन फील होगा पीवी में, इसीलिए इसको कहेंगे पोस्टीरियर एसिंक्लेटिज्म। और थोड़ा सा अगर पोस्टीरियरली टिल्ट कर गया, सजेशन सोचे पोस्टीरियर जब चला गया तब एंटीरियर पेराइटल बोन हम लोग को फील होगा, ये एंटीरियर बोन है, ये पोस्टीरियर है, ट्रांसवर्स जब डाल रहे हैं तो ये एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, पोस्टीरियरली जब थोड़ा सा चला गया है ये, तो पीवी में हम लोग को एंटीरियर पेराइटल बोन, जिसको कहेंगे एंटीरियर एसिंक्लेटिज्म। इसमें वही तुम्हारा सुपर सब पेराइटल जो डायमीटर उसको यूज वो इंगेज करता है। अब इंगेज कर गया, डिसेंट भी हो रहा है साथ साथ, गुड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी है साथ में, तब ये तुम्हारा इंटरनल रोटेशन हो गया, थोड़ा सा फ्लेक्शन, फ्लेक्शन हो गया, फ्लेक्शन तो साथ साथ रहेगा, फ्लेक्शन कितना है बोलोगे, फ्लेक्शन फ्लेक्शन होता है सबको साथ साथ ही सब चलेगा, ठीक है। इंटरनल रोटेशन हो गया ये, एंड जब ऑक्सीपिटो टच करता है बेल फ्लेक्शन के साथ में, जो ऑक्सीपिटो है जो भी चीज़ पेल्विक फ्लोर को टच करता है, ठीक है, जो टच करता है इलास्टिक रिकॉय के कारण, जब हम लोग किसी जगह रस्सी जैसा जो बना से कूदेंगे तो कभी एक पोजीशन में वापस नहीं आते हैं, ठीक है, वो घूमते रहते हैं, ठीक है, कभी ऐसे कूदें फिर ऐसे कूदें फिर ऐसे कूदें, हम लोग भी कूदेंगे तो ऐसे ही होगा, वैसे इलास्टिक रिकॉय जो होता है उसके चलते कभी एक पोजीशन में नहीं रहता है, बट एंट्रोपोस्टीरियर जो डायमीटर होता है वो थोड़ा बड़ा होता है इसका इनलेट का, ठीक है, और आउटलेट का भी बड़ा होता है, एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर इनलेट आउटलेट दोनों का बड़ा होता है। तो जब भी ये इलास्टिक, तो हम कोशिश करेगा कि ये वाला डायमीटर एंटीरियरली आ जाए, ये फिट कर जाए, तो इलास्टिक रिकॉल हार्ट्स जो डूल होते हैं ऐसे करते करते बार बार जो कॉन्ट्रैक्शन आया फिर नीचे गया, फिर कॉन्ट्रैक्शन ओवर हुआ तो ऊपर आया, जो इलास्टिक रिकॉल के कारण वो धीरे धीरे करके ये हमारा एंटीरियरली घूम जाएगा। जब ये एंटीरियरली तुम्हारा आ गया, फिर भी सिंथेसिस के ठीक पीछे आ गया जो तुम्हारा ऑप्टिक, लेकिन जो तुम्हारा ये शोल्डर है ऐसे था, तुम्हारा शोल्डर ऐसे ही था, ठीक है, जब ये वाला आगे हो गया तो ये टू एट ऑफ द सर्कल घूम गया, बट इतना टॉर्शन नेक नहीं सस्टेन कर सकता, तो बस ये भी घूम गया, ठीक है, ये भी बने तो घूम गया। अब जैसे जैसे और डिसेंट हुआ, क्राउनिंग, क्राउनिंग हो जाता है, ठीक है, क्राउनिंग मीन्स होता है एक ऐसा पोजिशन आया जिसमें कॉन्ट्रैक्शन ओवर हो गया, उसके बाद भी वो पेरिनियम पे ही विजिबल है हम लोग को, ठीक है, बाय, हाँ, रिसीव नहीं करता है, रिसीव नहीं करता है, होता है कि कॉन्ट्रैक्शन आता है तो फिर वापस ऊपर जाए, वही तुम ऊपर नीचे जो बता रहे थे, कॉन्ट्रैक्शन आया फिर ऊपर चला गया, बट क्राउनिंग जो एक ऐसा पोजिशन आता है जिसमें रिसीव नहीं करता है, बाय पेराइटल डायमीटर स्ट्रेचेस द बल्बल आउटलेट, ठीक है, एंड ऑक्सीपिटो जस्ट बिलो द सिंथेसिस प्यूबिस, दिस इज कॉल्ड क्राउनिंग, ठीक है। अब क्राउनिंग हो गया तो अब डिलीवरी होगा इसके बाद एक्सटेंशन के थ्रू, एक्सटेंशन भी, एक्सटेंशन के थ्रू क्यों डिलीवरी होता है उसका भी एक रीज़न दिया है, काउज दिया है, ठीक है, जो जो एक्सेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो है वो डाउनवर्ड और बैकवर्ड रहता है, बट इसका जो रहता है आउटलेट नहीं, जो लिबर्टेरियन आई जो तुम्हारा है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको करता है, तो डाउनवर्ड और बैकवर्ड
न्यूट्रलाइज हो जाता है और फॉरवर्ड वाला बच जाता है। तो फॉरवर्ड वाला बच जाता है, इसके चलते ये एक्सटेंशन के थ्रू डिलीवरी हो जाता है। एक्सटेंशन हुआ, डिलीवरी हुआ, तो सबसे पहले क्या निकला? वर्टेक्स, ब्राउ, फेस एंड देन चिन। चिन निकल गया, उसके बाद नीचे ड्रॉप डाउन हो जाएगा, ठीक है ये, और मैटरनल एनल ओपनिंग के पास इसका बच्चे का चिन चला जाता है, ठीक है। अब जो तुम्हारा जो वो था हाँ, वो डेस्टिट्यूशन होगा, वापस फिर उसी पोजीशन में आएगा, ठीक है, बने। फिर इसके बाद एक्सटर्नल रोटेशन होगा, जो टॉर्शन जो था, टॉर्शन के कारण डेस्टिट्यूशन हुआ, तो फिर से सेम डायरेक्शन में, ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में डेस्टिट्यूशन हो गया, बट एक्सटर्नल रोटेशन जो होगा सेम डायरेक्शन ऑफ डेस्टिट्यूशन, तो फिर वापस ऑक्सीपुट तुम्हारा फिर से यही चला आया और फेसेस द सेम साइड, जिस साइड में एंगेज किया था उसी साइड का मैटरनल थाई को ऑक्सीपुट फेस करेगा, ठीक है। उसके बाद लैटरल फ्लेक्शन के थ्रू अब जो एक्सटर्नल रोटेशन हो गया शोल्डर का, सॉरी हेड का एक्सटर्नल रोटेशन, अब हेड हम लोग को बाहर दिख रहा है इसलिए इसको एक्सटर्नल रोटेशन बोले, हेड अंदर था तो इंटरनल रोटेशन बोल रहे थे। अब लैटरल फ्लेक्शन के थ्रू ये डिलीवरी हो जाएगा तुम्हारा बच्चा।